और साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 में अब हड्डी संबंधित रोगों में होने वाली सर्जरी और ऑपरेशन और बता दें तमाम इस तरह के काम हो सकेंगे। इस मशीन से ऑपरेशन और सर्जरी बहुत आसानी से हो सकेगी। मरीजों को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन तकरीबन 200 से ज्यादा मरीज रोजाना हड्डी रोग विभाग में आते हैं, जिसमें से बहुत से लोगों की सर्जरी होनी होती है, जिसको अब तक दिल्ली सफदरजंग रेफर किया जाता था, मगर अब उनका इलाज नागरिक अस्पताल में ही हो सकेगा। यह मशीन 3D चित्र और प्लेट इंसर्टिंग के दौरान डॉक्टर को होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने का काम भी करेगी। अब ये मशीन है, CR मशीन बोली जाती है। इस मशीन के आने से हमारे जो मरीजों को बहुत ही खुशखबरी है उनके लिए, ताकि उनको अपने इलाज के लिए जब बार बार हम यहाँ से सफदरजंग रेफर कर दिया जाता था, अब उनको सफदरजंग रेफर नहीं किया जाएगा। उनके घुटने और हड्डी रोग की इलाज इसी अस्पताल द्वारा हमारे हड्डी रोग चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। ये मशीन एक 3D टाइप की मशीन है, जिसमें इसी में एक्सरे किए जाते हैं और इलाज के दौरान मेरा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो है इसमें रोड और प्लेट कैसे लगाई जाती है वो सही से स्थिति का पता लगता है। तो इससे इलाज करना आसान हो जाएगा। जी, इससे इलाज करने में बहुत ही बेटर तरीके से बहुत ही सुविधा मिलेगी। एक्जेक्ट हमने रोड और प्लेट लगाने वाली स्थिति का 3D एक्सरे होते हुए हम देख सकते हैं। तकरीबन कितने मरीजों का आवागमन जो है हड्डी रोग विभाग के अंदर सर रहता है? प्रतिदिन मेरी OPD में 200 के करीब जो पेशेंट आते हैं, जिसमें 10-15 पेशेंट डेली हमें इस मशीन के ना होने के कारण सफदरजंग में रेफर करने पड़ते थे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।